हेलो गाइस, वेलकम टू देशमेडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर 4 के बारे में, टोनी स्टार्क के बारे में और देन एवेंजर 4 का एक सीन के बारे में। तो इसमें काफी बड़ा एक स्पॉइलर है, तो आप इस वीडियो को थंबनेल देख के कंटिन्यू कर चुके हो स्पॉइलर के नाम पर, तो देन आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसकी मैं थोड़ी सी आपको टाइमलाइन एक्सप्लेन करता हूँ। आपको मेरा एक पहला वीडियो याद होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि टोनी टाइटन प्लेनेट पे फंसा हुआ है और देन वो नेबुला की मदद से आगे आएगा। अब उसके आगे का सीन कंटिन्यूस पता चला है। तो अभी हाल ही में एवेंजर 4 के रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने एक इंटरव्यू में एक ऐसी बातें बोली जो तो पता चली नहीं, बट उन्होंने जहां पर इंटरव्यू दिया, जैसा कि आप इमेज देख रहे हो, जिसमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर इनफिनिटी वॉर आयरन मैन लिखा हुआ है। तो आप टोनी की जो हेयर स्टाइल है, जो कपड़े हैं वो देखिए और पीछे का बैकग्राउंड देखिए, तो ये है वकांडा, जिसमें कि सीन ये पता चलता है और स्पॉइलर ये होता है कि टोनी एनिया नेबुला के साथ वकांडा में आता है और देन वकांडा में वो शुरी की मदद लेता है और देन थैनोस को हराने के लिए, और देन यहाँ पे शुरी उसकी मदद करती है। तो उसकी जो हेयर स्टाइल, जो पीछे बैकग्राउंड है, जितना भी वो सब वकांडा का है, और उससे ये स्पॉइल होता है कि हाँ, रॉबर्ट डॉनी जूनियर शुरी की 100% मदद लेगा एवेंजर 4 में थैनोस से जीतने के लिए, और देन वो कुछ भी हो सकती है, या टाइम मशीन या फिर कोई अपग्रेड आर्मर। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखा, या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।